आज हम बनाएंगे पालक और मटर की एकदम लाजवाब सी सब्जी। ये एकदम सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, आप एक बार बना के देखिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए बनाते हैं पालक और मटर की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। देखिए, पालक मटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 केजी पालक लिया है। मैंने 1 किलो पालक यहाँ पे लिया था और मैंने पालक को अच्छे से साफ कर लिया है और इसे मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो दिया है, मैंने वॉश कर दिया है और मैंने इसे छन्नी में रख दिया है इसका पानी, एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए। तो आइए, अब सबसे पहले हम पालक को यहाँ उबालेंगे। पालक उबालने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें पालक डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। आपको पानी नहीं डालना है, आपको सिर्फ पालक और थोड़ा सा नमक डालना है। पालक में से बहुत ही पानी निकलता है तो ये अपने आप ही इसमें पानी आ जाएगा, आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है पालक उबालने के लिए। हमने यहाँ पे नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया कढ़ाई में पालक के साथ और हम पालक को ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए उबलने के लिए। तो आइए देखिए, हमने यहाँ पर गैस को स्लो कर दिया है। स्लो फ्लेम पे ही आप पालक उबालें तो पालक पालक जलेगा नहीं, वाला आप हाई फ्लेम पे पालक को उबालेंगे तो पालक का पानी सूख जाएगा और पालक आपका जल सकता है। तो देखिए, पालक अच्छे से उबल चुका है। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल के रख दिया था और ठंडा हो चुका है। आइए हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं पालक का अच्छा सा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है, छोटा मिक्सी जार लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पालक को डाल के हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पेस्ट इसका बन चुका है पालक का। ये देखिए कितना अच्छा से पिस चुका है। आप चाहे तो इसको छोटे छोटे बहुत ही बारीक बारीक सा कट कर कर बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पालक को उबाल के मैंने एक पेस्ट बना लिया है। इससे क्या होता है, पालक बहुत ही टेस्टी बनता है, पालक और मटर की सब्जी पालक को उबाल के। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से उबाल के पालक का एक पेस्ट बना लिया अच्छा सा। और अब आ जाइए, हम यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ काट के रखी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मेरे को पालक में क्या क्या डालना है और मैंने क्या क्या कट करके रखा है। तो यहाँ पे एक मैंने बड़े साइज का प्याज कट कर लिया था और मैंने एक बड़े साइज का आपका टमाटर भी कट कर लिया, मतलब कद्दूकस करके रख लिया था। आप चाहो तो टमाटर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 पाव मैंने मटर लिया है एक बॉल में, थोड़ा सा मैंने लहसुन कट करके चॉप करके रख लिया था, 2 हरी मिर्च और पालक का पेस्ट। तो आइए हम यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लेते हैं। देखिए, कढ़ाई गरम हो चुका है। अब हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो बटर या देसी घी भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, सरसों का तेल गरम हो चुका था अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे जीरा का फोरन डाल दिया है, साथ ही मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन फ्राई होने के बाद मैंने 1 सूखा मिर्च का यूज किया है। फोरन अच्छे से चटक चुका है, लहसुन भी अच्छे से पक चुका है। तो हमने यहाँ पे कटा हुआ प्याज डाल दिया है जो हमने चॉप करके रखा था। अब प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है। गाइस देखिए, प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च कटा हुआ डाल देंगे। तो हमने जो हरी मिर्च कट करके रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो हमने घिस के पहले रख रखा था। अब हम कुछ इसमें बेसिक मसाला डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, 1/2 चम्मच से भी कम। नमक का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमने पहले पालक में उबालने समय पे नमक डाला था, तो हमें इस टाइम पे कम डालना है। अब हम मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है काफ़ी अच्छे से। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। ये देखिए, मटर मैंने डाल दिया है। अब मटर और मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हमने मिक्सी जार में जिसमें पालक पीसा था उसी में हमने थोड़ा सा पानी डाल करके हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे पकने के लिए। तो ये देखिए, हमने ढक के रख दिया था पकने के लिए और मटर कितना अच्छा से पक रहा है। और इस तरीके से पकाना है हमें 3 से 4 मिनट तक के लिए मटर को। मटर का सीजन है तो मटर बहुत ही जल्दी पक जाता है इस टाइम पे। अब हम देखिए, मटर अच्छे से पक चुका है। हमने इसमें पालक पिसा हुआ डाल देंगे। हमने जो पेस्ट बना कर रखा था पालक का, हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने पालक को डाल दिया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं पालक मटर तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और घर में सभी को बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। तो इस तरीके से आपको बनाना है और थोड़ा सा पानी डालना है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं पकने के लिए। तो ये देखिए, कितने अच्छे से पक चुका है और इसका कलर कितना प्यारा आया है, बहुत ही अच्छा कलर है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बनाया है मैंने और इस तरीके से आप भी बना के देखें, आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। बिल्कुल आप इसमें चाहें तो देसी घी या बटर डाल के खा सकते हैं।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली में, दोस्त में, और इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, और घर में भी सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है पालक मटर की सब्जी। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।